स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले क्या माशाल्लाह आपने नजाकत दिखाई, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। वो नजाकत आई डोंट नो कहाँ से आई है, पर मुझे पता है कि मुझे देखने वाले जितने भी लोग होंगे वो हंसने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा स्टंट्स करते देखा है या ये सारी रॉ चीज़ें करते देखा है, ये करते हुए कभी नहीं देखा। सो ये चीज़ें बहुत पसंद आने वाली हैं जब ये लड़का बनेगी और मैं लड़की बनूंगा। और मैं आपको इस बात में थोड़ा सा इंटरफेयर करना चाहूँगी, ये नज़ाकत घर से आई है, हम घर में ऐसे ही हैं। ये मुझे लड़की बन के हंसाते हैं और मैं इनको लड़का बन के हंसाता हूं। वो तो हमारे पर्सनल लाइफ में चलता ना, मतलब एज अ वो प्रिंस नरुला दुनिया में ऐसे नहीं आया था करके कभी भी, तो वो हम पहली बार उन्होंने नचपुली के सेट पे, और जब आया तो मेरा सिर्फ पहली बार ये था कि मैंने क्यों साइन किया बट इसमें बड़ा मजा है। यू नो जब मैं देखता हूँ कि यार अब जो करेक्टर्स यू नो बाकी शोज में जो करते हैं, जो लड़की बनते हैं, इट्स टू डिफिकल्ट, और लड़कियों के लिए जब ये डांस करती हैं, अब मुझे समझ आता है कि जब पसीने में बाल चिपकते हैं तो मैं कैसे हैंडल कर रहा हूँ, कि मुझे पता है, और लड़कियाँ तो मतलब बचपन से हैंडल करते आती हैं, तो हैट्स ऑफ हर लड़की के लिए जो इतना कुछ बॉडी में लेकर चलते हैं, सहते हैं। और बट फिर भी हम एंटरटेन करते रहेंगे, और हम अपने व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे कि थैंक यू सो मच कि हमें बहुत सारा प्यार देने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। सब बॉडी में लेके चलते हैं, एक्चुअली ये बॉडी में लेके चल रहा है ना, सो सॉरी ही कैन फील दैट, बट वी आर नेचुरली बॉर्न, ऊपर वाले ने हमें ऐसे नवाजा है। मैं वही तो कह रहा हूं, तभी तो कह रहा हूं लड़कियां लड़कों से ज्यादा स्ट्रांग हैं। लड़की बन के चल रहा है तो लेके, यू नो मैंने अभी सारी मतलब बॉडी में जितने भी पार्ट्स हमने आर्टिफिशियल लगाए हैं उसमें मेरे को 15 मिनट के बाद ऐसा लगता है कि यार नहीं हो रहा, मतलब इट्स मैं खुद की बॉडी को डबल वेट समझता हूँ, मतलब इतना हैवी फील होता है। बट हर लड़की को हैट्स ऑफ हमारे लिए, और इससे और इज्जत बढ़ती है जब एक लड़का लड़की बनता है और देखता है कि लड़की पे क्या होता है। बट थैंक यू सो मच गाइज, आप हमें इतना प्यार करते हैं, आप हमें शो में यहाँ तक लेकर आए हैं जितनी बार हम बॉटम में आए हैं, और हम यहाँ पर अगर आए हैं वो आप ही की बदौलत है, क्योंकि हमें अपने से ज़्यादा आप पर भरोसा था कि आप हमें बचा लेंगे हमेशा, और वही चल रहा है, और बस ऐसे ही प्यार करते रहिए। चलिए एक चीज और जानेंगे, जो मतलब आप आदित्य की बात जानना चाहेंगे, किस तरह से पूरा जो हुआ है बाकी, हालांकि आपने सपोर्ट किया था आदित्य को विशाल, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो हमने सपोर्ट इसलिए किया था क्योंकि जब वो हमारे पास आके रोया था तो मुझे और अली को बुरा लगा था, और हमने कहा था कि अगर हमें बात नहीं पता, हमने कहा था कि हम तेरे साइड नहीं ले रहे, बट हम जाकर एक बार बात पूछेंगे कि ऐसा हुआ था, अगर लड़का करे तो बवाल बनता है, और अगर लड़की ने किया है, अगर इसकी गलती है तो भी हमें बताओ इसको क्यों मारा गया, ताकि हम इसको ना बुलाएं। हमने स्टेज पे भी ये बोला, क्योंकि फिर हमें वैसे लोगों से बात नहीं करनी जो अभी ऐसे करेंगे, बट वो बात अभी तक हमारे साथ नहीं आई है, पर हम चाहते हैं फिर भी, हमारा टॉपिक बाद में है कि अगर उनका शॉर्ट होता है तो अच्छी बात है। कंफ्यूज्ड वो, उसके अंदर गुस्सा भी है और प्यार भी, प्यार आता भी है। तो जब वो प्यार चाहता है बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता, जानते हुए कि इनके झगड़े हो जाते हैं, तो कई बार होता है ना, आप कई चीज़ को कुछ चाहते हो बट वो आपको नहीं मिल रही होती, तो आप उसी में उलझे रहते हो। कंफ्यूज, और वो दोनों इंसान अगर इंडिविजुअली देखे जाएं तो अमेजिंग है, दोनों अमेजिंग है, दोनों इतने ब्यूटीफुल हैं, प्यार वाले हैं, और पर वो एक साथ ठीक नहीं है, तो मेरे को लगता है कि वो उन पे फैसला सुनना चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ है, हम कोई भी नहीं है। उनकी बहुत मुश्किल है, पर फ्रेंडशिप भी हो जाए काफी है। हाँ, हम कोई नहीं है उनके रिलेशनशिप में उंगली करने वाले, तो वो अच्छे समझ पाएंगे। वेरी स्ट्रांग एंड वेरी सॉर्टेड, इट इज जस्ट दैट कि उनकी दोस्ती भी हो जाए वो काफी होगा इस शो में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लड़कों वाला अंदाज लेकर आ रही हैं, क्या कुछ नया, मतलब क्या कुछ होगा इस बार, थीम थोड़ा बताइए। क्या कुछ होगा, मैं आप सब लोगों को हंसाने वाली हूँ अनुपम खेर बन के, और पूरी मस्ती कर रही हूँ, छेड़ रही हूँ मैं प्रिंस को, पूरा मौके का फ़ायदा उठा रही हूँ, और फिर बताती भी हूँ बिहेव योर सेल्फ, बहुत लोगों के साथ, आदमियों के साथ बात मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता बात बात पे ये कहीं भी शुरू हो जाता है, हाय हाय हाय, मैं उसको बोलती हूँ तहजीब में, घर वापस जाना है तो हर पल हम जी रहे हैं यहाँ पे, कि कुछ भी हो, चोट फोट लगे वो सब साइड में करके, क्योंकि सब इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं ना कि थक चुके हैं, मतलब नींद नहीं पूरी हो रही, तो अगर उनको 10 मिनट की भी खुशी मिल रही है ना हमारे रिएक्शन से, तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेट में अगर ऐसा एनवायरनमेंट बना रहे कि कोई भी एक दो इंसान ऐसे हो जो हंसाते रहे, मेरे को लगता है वो पूरा दिन अच्छे से निकल जाता है। एक्चुअली हम खुद भी ऐसे हैं, हमारी लाइफ में नौटंकी वाला है, नौटंकी चलती रहती है। जो डायलॉग बोला, जो बोल रहे हैं आप, ये आपका खुद का इनपुट है यहां पे, आपको बताया गया था जैसे कुछ ऐसे कुछ नहीं बताया गया था, इसके रिहर्सल में बताती हूँ कहाँ से आती है। प्रिंस जब लड़की बन के बैठ जाता है वहाँ, ऑटोमेटिकली चार पांच लड़के ऐसे आके बैठ जाते हैं, और मैं जाके बोलती हूँ तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, सेट के लोग सारे आगे पीछे इसके, वो ये बैठ के बोलता है बेबी मैंने कहा तुमने बिगाड़ के रखा है। पर ऐसा होता है ना कि वो लोग ही तुम्हारे पास आते हैं जो तुमसे प्यार करते हैं ना,
तो उनसे हमारी शुरू से फर्स्ट डे से बॉन्डिंग ऐसी है, क्योंकि जो मेरा इतना प्यार अब तो करीब आ रहे हैं जैसे लड़की मैं सीरियस नोट बोल रहा हूँ कि बाकी शोज भी करता हूँ तो मेरा क्रू से उतना ही प्यार होता है हमेशा, क्योंकि वो हमारे लिए जितना काम कर रहे हैं वो हम आर्टिस्ट समझ सकते हैं, अगर हम इज्जत नहीं करेंगे तो उनको काम की कोई वैल्यू नहीं दे पाएगा, तो हम उनसे इतना अटैच इसलिए होते हैं क्योंकि वो काम कर रहे हैं और वो इतना ही प्यार दिखाते हैं, रोज रोज मिलना बातें करना एक आदत सी पड़ जाती है, इट्स अ ब्यूटीफुल अटैचमेंट।